दोस्तों आप एक बॉक्स देख रहे होंगे और इसके अंदर में एक ऐसा मशीन है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं आपने इससे पहले ये मशीन नहीं देखा होगा क्योंकि काफी कमाल का मशीन है। इस मशीन का जो रोल है वो सिर्फ 6 मिनट के अंदर में आप अपने घर में सैनिटाइजर बना सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सैनिटाइजर बनाते हैं या आप मार्केट से जो सैनिटाइजर खरीदते हैं, वो जो सैनिटाइजर होता है वो आप सिर्फ अपने हैंड के लिए यूज करते हैं या कुछ जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह से चेयर हो गया या आप लैपटॉप मोबाइल यूज कर रहे हैं। पर इस सैनिटाइजर को जो आप बनाएंगे वो आपका सैनिटाइजर लाइक ए हर्बल होगा, क्योंकि इसमें सैनिटाइजर को बनाने के लिए आपको सिर्फ पानी की जरूरत पड़ती है और नमक की जरूरत पड़ती है। उस नमक और पानी को जब आप मिक्स करते हैं और जो सैनिटाइजर बनता है उससे आप हर चीज को सैनिटाइज कर सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास अगर मान लीजिए आप फ्रूट्स खरीद के लाते हैं या वेजिटेबल खरीद के लाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बनता है, उस चीज को आप इससे सैनिटाइज कर सकते हैं, उसमें आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं तो इसको यूज कर रहा हूं और काफी कमाल का है। तो चलिए मैं आपको पहले बॉक्स के अंदर में दिखा देता हूं कि आपको क्या क्या चीज मिलती है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको सैनिटाइजर बनाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स के अंदर में आपको मशीन मिलता है, इसको मैं पहले फिलहाल साइड में रख देता हूं। तो इसमें एक केबल मिला है जिससे कि आपको इसको मशीन को कनेक्ट करना है, आप देख सकते हैं ये आपका केबल है, तो आप मोबाइल को चार्ज करते हैं इस केबल को आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक स्पून मिला है जो कि आपको नमक के मेजरमेंट के लिए रहता है। इसके अलावा एक मैनुअल है और फिलहाल मैं आपको अभी मशीन दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं तो बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाइट वेट है लेकिन काम बहुत सॉलिड करता है। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूएसबी लगाने के लिए और यहां पे एक देखिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है। अब चलिए हम लोग सैनिटाइजर बना के आपको दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ पानी लेना है, पानी का मेजरमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको 300 ml का एक मार्क दिया गया है, तो इस लेवल तक आपको सिर्फ पानी डालना है। उसके अलावा जो आपको एक स्पून दिया गया है उस फुल स्पून का नमक आपको इसमें करके थोड़ा सेक करना है, उसके बाद आपको सिर्फ मशीन चला देना है। चलिए मैं आप उसको अब लाइव करके दिखाता हूं। ओके, इसको पहले आपको ओपन कर लेना है। अब सिंपल आपको 300 ml तक आपको इसमें पानी डालना है। एग्जैक्ट यहाँ पे 300 ml जितना था मैंने उतना पानी इसमें डाल दिया है। अब इसमें मुझे नमक मिक्स करना है, मैं यहाँ पे एक स्पून नमक, जैसे इसमें एक स्पून नमक बोला गया है, इसे मैं मेजरमेंट कर लेता हूं। अब इस बोतल में आपको ये नमक को मिक्स कर देना है। तो एग्जैक्टली आपका एक स्पून ये नमक यहाँ पे चला गया है। अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया 300 ml, एक स्पून नमक भी डाल दिया है। अब सिंपल इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब आप इसका कमाल देखिएगा, थोड़ा इसको मैं सेक कर देता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है, नमक पानी हल्का सा आप मिला देंगे। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब जो करेगा ये मशीन करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने चार्जर लगा दिया है, यहाँ पे लाइन दे देना है। लाइन देने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइट आता है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्विच दिया गया है, आपको इसको सिंपल क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, 6 मिनट तक आपको मशीन को छोड़ देना है, 6 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक आपका सैनिटाइजर यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 6 मिनट के लिए। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइटिंग स्टार्ट हो चुका है, अब इसका प्रोसेस यहाँ पे सैनिटाइजर बनने का स्टार्ट हो चुका है, इसको हम लोग को बंद कर देना है। यहाँ पे अंदर से ब्लू लाइट आ रहा है और वर्क करना स्टार्ट हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ नजदीक से, आप देख सकते हैं 6 मिनट वेट करने के बाद आपका सैनिटाइजर रेडी हो जाएगा और यहाँ पे लाइट है ये ऑटोमेटिक ही आपके यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जब तक यहाँ पे टाइम लगता है सैनिटाइजर बनने का, तो उससे पहले मैं इसका प्राइस बता देता हूं। अब मैं बता देता हूं आप इसको कहां से परचेज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ऐसे प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं आते, इसको क्लिनिकली पूरा प्रूफ किया जाता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट को मार्केट में दिया जाता है। और अभी सैनिटाइजर बनने के बाद अगर सैनिटाइजर अपना पूरा वर्क नहीं करता है तो गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट को अलाउ ही नहीं करेगा मार्केट में सेल करने के लिए। मैंने इसको पूरा सर्वे करके लिया है, मेरे कुछ फ्रेंड ने इसको परचेज किया था जिसका काफी अच्छा फीडबैक था, तो उसके बाद मैंने भी लिया। फाइनली जब मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा और इसको जब मैंने यूज किया उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है और इस टाइम में तो ये प्रोडक्ट सबके घर पे होना चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद आया और मेरे जितने भी दोस्त यूज कर रहे हैं सबको बहुत पसंद है, लेकिन कॉस्ट में थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 4000 के अप्रॉक्स मुझे पड़ा है। पर इसमें मल्टीपल आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप सैनिटाइजर बना सकते हैं, अभी ये मार्केट में बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिए, यहाँ के वेंडर आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको बता देंगे किस तरह से आपको कुरियर करना है, वो पूरा डिस्कशन आपसे कर लेंगे। फिलहाल चलिए यहाँ पे सैनिटाइजर बन गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे सैनिटाइजर बनता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ये ऐसा नहीं कि 5 मिनट 6 मिनट जितना भी समय लगता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है।
अब मैंने अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज भी कर लिया फ्रेंड, और मैं इसका स्मेल भी ले रहा हूं, तो इसका स्मेल भी बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि आपने देखा मार्केट में बहुत सारे सैनिटाइजर मिलते हैं जिसका स्मेल बहुत ही गंदा होता है, तो इसका स्मेल थोड़ा लाइट है। तो आई फ्रेंड आपने देखा कितने इजी तरीके से आप भी अपने घर पर सैनिटाइज बना सकते हैं। तो अगर इस मशीन को लेना तो जैसे मैंने आपको बताया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपना नंबर दे दें। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।